नहीं, सही बुखारी का वाक्य है। अब जान दो कुरान को, आपको नहीं समझ में, आपको नहीं समझ, इसलिए कि जो बात सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उन थोड़ा बहुत, तो आपको नहीं समझेंगे, ये तो बड़ी बात है। चलिए आगे, सही बुखारी से भी साबित है ईद मिलादुल्लाही मना। अच्छा माशाल्लाह, सही बुखारी से बोले तो अल्लाह की किताब के बाद इस किताब की अहमियत। अच्छा ठीक है, बताइए। सही बुखारी की रिवायत एक साहब देने लगे कि ईद मिलादुल्नबी मनाना अफजल है, उसका सवाब है, उस दिन मगफरत होती है। वो कैसे? बहुत बड़े डॉक्टर साहब, वो भी टीवी पे आते हैं, बेचारा अल्लाह रहम करे उन पर। वो शुरू दलील दे रहे हैं, क्या दलील उनकी? के अब्बास रजी अल्लाह अन के ख्वाब में अबू लहब आया। तो अब्बास रजी अल्लाह ने पूछा, अबू लहब कैसे हालात जहन्नुम में, मतलब अपने भाई से खैर खैरियत ले रहे जहन्नुम की। तो अब अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ख्वाब की बात है याद रखिए, ये ख्वाब देखा उन्होंने कि अपने भाई को उन्होंने देखा और पूछा अबू लहब कैसे हालात। तो कहा, रफाखा नहीं मिला यहाँ भी, दुनिया में मैं खिलाफ था लेकिन यहाँ सुकून नहीं मिला, जहन्नुम में गया मैं, लेकिन एक दिन थोड़ा सा मुझे रफाखा मिल जाता है, थोड़ी ढील मिलती है। कहा किस दिन? तो कहा पीर के दिन। तो कहा क्यों? तो कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उसकी खुशी में अपनी बांदी सोविया को आज़ाद किया था, उसकी गुलाम थी, लौंडी थी, उसने भतीजा मुझे पैदा हुआ उसकी खुशी में एक लौंडी को आज़ाद कर दिया था। उनका तरीका था कि कुछ ना कुछ सदका खैरात औलाद की पैदाइश थी, तो अपने भाई को बच्चा हुआ तो अबू लहब को खुशी हुई कि भतीजा हुआ मुझे, एक लौंडी सोविया को आज़ाद कर दे। तो कहा सोविया को चूँकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर आज़ाद किया था, बस उस दिन मुझे रफाखा मिलता है, उतने दिन ढील मिलती है। सुभान अल्लाह, जब अबू लहब को मिल सकती है तो फिर हमें क्या? नारे शुरू कर दो पूरे यहाँ से। अबू लहब को फ़ायदा हो रहा है तो मैं तो मुसलमान हूँ ना। सवाल ये सबसे पहला, ये अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का ख्वाब है, ख्वाब, और ये ख्वाब आपने दौरे जहालत में जब आप काफिर थे तब देखा था। लेकिन ये बात तो है, काफिर का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है ना। सूरह यूसुफ के अंदर वो जो दो लोग थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब पूछा, दोनों गैर मुस्लिम थे लेकिन दोनों ख्वाब सच हुए ना। तो काफिर का ख्वाब भी गैर मुस्लिम का हो सकता था, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये ख्वाब था, ख्वाब में आपने ये देखा, अल्लाह के रसूल सर मोहर लगाई कि यहाँ बात सही है, ऐसे ही हो रहा, छूट दी जा रही है। इमाम बुखारी ने सिर्फ रिवायत किया उसको ख्वाब को, इससे कोई फजाइल साबित होते हैं, कोई मसाइल निकल रहे हैं, कोई अल्लाह के रसूल अटेस्ट कर रहे हैं, कोई सहाबा कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है और हमें भी चाहिए हम लौंडी आज़ाद करें। अब सवाल ये है, जिसको अबू लहब की सुन्नत पर अमल करना है तो वो करे, फिर लौंडी आज़ाद करे, पैसा दे। लेकिन उमर की सुन्नत, अबू बकर की सुन्नत भी ये नहीं है, उमर की भी नहीं है, उस्मान की नहीं, अली की नहीं, इसलिए कि रिश्तेदार, इसलिए इनका नाम खास ले रहा हूँ, ना हसन और हुसैन की है, ना फातिमा है रजी अल्लाह अन्हु अजमैन, इस तमाम सा इन तमाम की तो नहीं है, ना ही रसुल्लाह की मोहर है। तो अब जिसको अबू लहब की सुन्नत पर अमल करना है वो करता रहे फिर, और जिसको सहाबा की, जो हमेशा की जन्नत चाहते थे, एक दिन का रफाखा जहन्नुम में नहीं चाहते थे, उनकी सुन्नत तो यहाँ मौजूद, ये हमेशा की जन्नत चाह रहे हैं ना, एक दिन का जहन्नुम का रफाखा चाहने वाले लोग हैं। तो अबू लहब की सुन्नत दिन खूब जश्न मना ले, जहन्नुम में जाएंगे, एक दिन बच जाएंगे बस। अगर ये हदीस को सही भी ले ले तो इससे पता ही चल रहा कि ईदी में, अच्छा उसको भी एक दिन रफाखा मिल रहा पीर के दिन, उनको भी एक ही दिन रफाखा मिलेगा। फिर हम ये चाह रहे हैं कि एक दिन का रफाखा, हम तो हमेशा की रिफाखत रसूलुल्लाह की सोहबत चाहते हैं और हमेशा का फ़ायदा। तो जिसके लिए आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमको और सहाबा की सुन्नत को देखना पड़ेगा। इनमें से किसी ने भी इस हदीस को ऐसा नहीं समझा कि इस दिन सदका और खैरात किया जाए। भाई कहाँ से कहाँ बात मिला रहे हो लाकर, ये क्या दलील है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। क्या सहाबा ने कभी समझा इस हदीस को ऐसा? तो सहाबा की ज़िंदगी कटर है, बराबर लाकर इंसान को ट्रैक पर खड़े कर दी। तो कोई ये मोहब्बत रसूल की अलामत नहीं, कोई इश्क रसूल की दलील नहीं, कोई कुरान हदीस से साबित नहीं, किसी मसलक से इसका वजूद नहीं।